टीवी जगत के दिग्गज अभिनेता गोपी पेंटल, जिनका लंबी बीमारी के चलते बीते कल निधन हो गया। गोपी पेंटल के निधन के बाद से पूरी फिल्म इंडस्ट्री शोक में डूबी हुई है। गोपी पेंटल, जिन्होंने भारतीय टीवी सीरियल के इतिहास में महाभारत से हिट सीरियल में से एक बेहतर एक्टर्स की कास्टिंग की थी, महाभारत जैसे सीरियल को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अभिनेता के निधन पर इस सीरियल में भगवान कृष्ण का किरदार निभाने वाले नितिश भारद्वाज बहुत भावुक हो गए हैं। उन्हें अपने दोस्त गोपी पेंटल के निधन से बहुत बड़ा धक्का लगा है। नितिश ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपने दोस्त गोपी पेंटल से जुड़ी कुछ यादों को साझा किया। नितिश ने गोपी पेंटल को याद करते हुए कहा कि वह फिल्म इंडस्ट्री में उन दिनों संघर्ष कर रहे थे, तभी उनकी मुलाकात गोपी पेंटल से हुई। गोपी ने ही उन्हें महाभारत में भगवान कृष्ण के रोल के लिए कास्ट किया था। नितिश ने कहा कि हम दोनों महाभारत के सेट पर दुश्मन थे, लेकिन असल जिंदगी में हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। महाभारत की शूटिंग के दौरान ही हम दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उन्होंने मेरी एक्टिंग को काफी सराहा था, जिसकी वजह से मैं कृष्ण का किरदार इतने अच्छे तरीके से निभा पाया था। उन्होंने हमेशा एक एक्टर के तौर पर मेरी हमेशा तारीफ की। उनका इस तरह से इस दुनिया को छोड़ जाना थोड़ा अजीब लगता है। मैंने अपने जिंदगी का सबसे अच्छा दोस्त खो दिया है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब लहरें।